हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी जी के ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का जो संस्थापक थे बहलोल लोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर समाप्त करने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। इस प्रश्न का आपके सामने ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। जजिया कर समाप्त करने वाला अंतिम मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर को जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहां से आपका एक प्रश्न और बन सकता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी जीवी मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा लोकसभा। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर होगा। जो नागिन झील है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, यांग्स क्यांग, वांग हो, आमूर, सालवीन। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा वांग हो होगा। तो चीन का शोक नदी वांग हो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है रफलिसिया, कमल, गुलाब, उल्फिया। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा उल्फिया होगा। संसार का सबसे छोटा जो पुष्प होता है उल्फिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा गोल्फ। जो राइडर कप होता है गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो भारत की जो प्राचीन भाषा क्या है, इसका ऑप्शन है हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा संस्कृत होगा। तो भारत की प्राचीन जो भाषा है संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं, ऑप्शन है गोंड, इरुला, पनियान, राजी। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा गोंड होगा। तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स,
कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि 10 क्वेश्चन में से आपकी कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।